ये हमने आज हम बनाने जा रहे हैं हरे धनिए की व्रत वाली चटनी जो हम व्रत में खाते हैं। ये हमने लिया है 100 ग्राम हरा धनिया जिसको हमने साफ करके धो लिया है। अब हम इसको मिक्सी जार में डालेंगे। इसको हम पहले कट करके डालेंगे। इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च तोड़कर, काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, सेंधा नमक, ये व्रत वाला नमक है, सेंधा नमक 1/2 चम्मच, वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इस मिक्सी जार को बंद करके मिक्सी में ग्राइंड करेंगे, मिक्सी में पीसेंगे। ये हमने अब धनिए को पीस लिया है। ये हमारी चटनी रेडी हो गई है। इसमें हम डालेंगे 1/2 नींबू डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 नींबू। अब इसको मिक्स करेंगे। ये हमारी व्रत वाली चटनी रेडी हो गई है।